हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। सभी की इच्छा हो रही है, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, ये फ्रिज चाहिए या कोका कोला का फ्रिज चाहिए। तो मैं इस बारे में आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताता हूँ कैसे आप फ्रिज ले सकते हैं। अगर आपको कोई मना करे फ्रिज लेने से, मतलब आपके जो कंपनी वाले हैं, जो लोकल डीलर है, वो समझ गए, जो होलसेलर होता है, वो कहे सर फ्रिज नहीं है, तो उसका भी कंप्लीट प्रोसीजर बताता हूँ आप किस तरीके से उनसे फ्रिज ले सकते हैं। तो मैं यहाँ थोड़ा सा नोइसी आ रहा है, नोइस आ रहा है, तो मैं साथ वाली दुकान में जहाँ पे शीशे वगैरह लगे हुए हैं वहाँ पे चलता हूँ, जहाँ से नोइस वगैरह कम होगा और आपसे ढंग से बात कर सकता हूँ। आप में भी फ्रिज को परचेज करने की इच्छा है, लेने की इच्छा है, लेकिन जल्दी से जो होलसेलर है वो फ्रिज देते नहीं है, तो उसका भी सोल्यूशन है। अगर वैसे तो मैंने इस पे वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप वो फ्रिज ले सकते हैं। तो कुछ नहीं करना होता है, अगर आप लगातार पेप्सी या कोका कोला का माल बेच रहे हैं, माल बेचते रहिए, माल बेचते बेचते आप एक जो उनके बिल होते हैं, या कच्चा एक स्टॉक तैयार कर लीजिए, मैंने इतने समय में इतना माल बेचा है कोका कोला या पेप्सी का। बेचने के बाद क्या करना है आपको, अपने जो होलसेलर से बात करनी है कि मैंने इतना आपका 50,000 60,000 का इतना अभी तक माल बेच दिया, लेकिन आपने मेरे को फ्रिज नहीं दिया। फिर भी ना दे, उसके बाद में अगर कभी कभार आपके कोई एजेंट आता है या कहीं से भी एजेंट का नंबर लेके, जो इन होलसेलर के ऊपर होते हैं, जो आपके एरिया की माल की सप्लाई करते हैं, तो उनसे कॉन्टेक्ट करके उनसे फ्रिज ले सकते हैं। और अगर ऐसी कंडीशन आती है कि वो भी फ्रिज नहीं दे रहे, वो कहते हैं हमारे पास स्टॉक में नहीं है या हमारे पास माल नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आपको अगर पेप्सी का फ्रिज लेना है तो आप लगातार माल ले ही रहे हैं, तो माल को लेना रोक दीजिए, माल मतलब रोक दीजिए, माल स्टॉप कर दीजिए। स्टॉप करने के बाद क्या होगा, वो कहेगा कि आप मेरा माल क्यों नहीं ले रहे, तो आप कहोगे पहले फ्रिज दो फिर माल लूंगा। आपको माल एकदम रोक लेना है। माल रोकने के बाद आप दूसरी कंपनी का माल बेचने लग जाइए, जैसे आपको पेप्सी का फ्रिज लेना है तो कोका कोला का माल बेचने लग जाइए, पेप्सी वाले का रोक दीजिए। फिर उस पर प्रेशर बनेगा, आप लगातार माल ले रहे थे और माल लेना बंद कर दिया, प्रेशर बनेगा, प्रेशर बनने के बाद वो कहीं ना कहीं से आपको फ्रिज प्रोवाइड जरूर करवा के देगा। फिर भी आ रही है तो आप इंटरनेट पे अपने जो एरिया है वहां का टोल फ्री कस्टमर के नंबर देख के वहां पे आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं। और फ्रिज लेने के लिए मैं बता दूं, आपके पास जो बिजली का बिल होना चाहिए और बाकी और कुछ नहीं, हो सकता है आपके फोटोज वगैरह मांग ले, कोई चेक मांग ले, ब्लैंक चेक मांगते हैं, तो ये आपको देना पड़ता है। उसके बाद में आपको एम्प्टी लेनी पड़ती है, एम्प्टी जो जिसको हम लोकल लैंग्वेज में डाले कहते हैं, तो डाला आपको लेना पड़ेगा, खाली डाले लेना पड़ेगा। तो खाली डाले का लगभग अलग अलग एरिया में अलग अलग चार्ज होता है, लगभग एवरेज हम 200 रुपये मानते हैं, तो पता नहीं मुझे याद नहीं 20 है, कई 30 डाले भी देते हैं, तो खाली डाले लेते हैं लेकिन वो भरे हुए हमें डाले देते हैं। तो ऐसे मान लीजिए 10 से 15 हजार का माल एक बार आपको लेना पड़ेगा। तो 10-15 हजार का माल आप परचेज कर लेते हैं, ले लेते हैं, उसके बाद में कंपनी एवरेज आपको फ्रिज दे देती है। मैंने जो ये दोनों फ्रिज लिए थे मैंने, तो मैंने थोड़ा बहुत माल लगभग 10-12 हजार का माल ले लिया और उसके बाद में कंपनी ने मुझे फ्रिज दे दिया था। और जल्द ही जैसे ये फ्रिज है तो एक और फ्रिज हमारे पास जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। और कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट में लिख दीजिए, पूछ लीजिए, जरूर जवाब दूंगा, कमेंट में दूंगा या वीडियो बना के दूंगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं व्लॉग्स बनाता हूँ दुकानदारी के, शॉप्स के और घर से रिलेटेड, तो व्लॉग भी जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। कोई भी क्वायरी हो, इन्फॉर्मेशन हो, क्वेश्चन हो, कमेंट में लिख दीजिए, जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद।